टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में आपको आज हमारे सर हैं साथ में उनसे मिलवाना चाहूँगा। यस, योर गुड नेम सर? माइसेल विजय दास। आज हम लोग यहाँ पे वर्क एट हाइट की डेमोस्ट्रेशन किया हम लोगों ने कि वर्क एट हाइट में हमें कैसे काम करना है और रेस्क्यू करके दिखाया कि अगर कोई बंदा लटक जाता है उसको हम कैसे नीचे बचा सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा। होती है आपकी बेल्ट में एक रस्सी होती है, दो रस्सियाँ होती है, दो किस लिए होती है? यदि एक टूट जाए तो दूसरा गिरने से बचाएगा। तो हार्नेस को सदैव वहां से हटाइए। आज मैं एक बात बता के जा रहा हूं, जिसको नहीं पहनना आता वो भी सीख जाएगा और जिसको आता होगा वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी चीजें बताई नहीं जाती है, हम देख देख करके सीखते हैं। मैं कह रहा हूं आप लोग तो इतने समय से काम करते हैं, आपको देख रही होंगे कैसे काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां से गौरी रस्सी चालू होती है उसको वहां से उठाएंगे। उठाने के बाद ये इसके पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है? सामने वाला हिस्से में देखेंगे हम लोग बक्कल्स होते हैं, ताकि जैसे शर्ट की बटन लगाते हैं ना तो वो सामने वाला हिस्सा होता है, ठीक है? तो ये सामने वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है। अगर मैं इसको गलत, तो इसका सर कौन सा है, पैर कौन सा है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो हमेशा आपकी हार्नेस जहां से दोहरी रस्सी चालू होती है हमें इसको वहां से उठाना है। उसके बाद कैसे पहनेंगे, जैसे रोजमर्रा के जीवन में हम अपनी अपना पहला बाजू घुसाया और उसके बाद अपना दूसरा बाजू घुसाया, ठीक है? जैसे हम लोग अपनी कमीज की बटन को लगाते हैं उसी प्रकार हम इसमें बक्कल को लगाएंगे, इस प्रकार, ठीक है? संदीप जी समझ आ रहा है? अब तो करना आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा पहला प्रतिक्रिया है। उसके बाद हम आएंगे नीचे के सिरे में, जांघ के पट्टों को लेंगे, क्रॉस आएगा काले वाला और यहाँ पे हम इसको क्रॉस में इस प्रकार से लगा देंगे। ऐसे दूसरे को भी लेंगे और हम दूसरे को भी इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है? संदीप जी पहन सकते हैं या नहीं, या अभी भी कोई संकोच है? चलिए, कोई साथी सिलों के ऊपर हाइट पर फंस जाता है, उसको नीचे उतारना है, कहीं जगह लेडर नहीं होता तो बस उसको कंधों पे तो उतार नहीं सकता, कोई भी नहीं उतार सकता है ना, उसको लटका करके हम कैसे नीचे लेकर जाएंगे थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। कंगियों का क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग अपने पॉकेट के अंदर हाथ घुसाते हैं, न इससे ज़्यादा न इससे कम। और यदि मेरे पैंट के अंदर किसी प्रकार का टूल्स वगैरह, चाबी पाना कस्टर इत्यादि वगैरह लेके जा रहे हैं, छोटा सा पेन भी लेके जा रहे हैं, वो भी मेरे लिए हानिकारक है। ये छोटी सी निप क्या करेगी, मेरे जांघ के अंदर घुस करके खून निकाल सकती है, जख्म बना सकती है। तो हम इस प्रकार की चीज़ों को ऊपर लेकर के ना जाए, ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं, चंबल को देखे मैं पीछे गया था एक साइड पे, भाई ने मेरा चंबल निकाली, मेरे को नहीं पता चला, वो जाके अपनी बेल्ट पे लगा लिया होगा, करते हैं लोग बात, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो क्या करते हैं, फिर लाकर के यहाँ गांठ मार देते हैं, ये आएगा तो दिक्कत करेगा, मेरे गुप्त अंगों के ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है? इसको ज़्यादा कसना भी नहीं है और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना। चेक करेंगे क्या क्या, इसमें चार उंगली आएगी, ये हाथ में आना बहुत ज़रूरी है, दिख रहा है सबको? क्या क्या हो जाएगा, अगर मैं खिसक करके यहाँ चला जाता है तो मेरी रीढ़ की हड्डी में झटका आ सकता है। जितने भाई बंधु कैसे काम करते हैं इसको ध्यान दें, पहनने के बाद ये जरूर चेक करें कि आपके सीधे या उल्टे हाथ में आना अति आवश्यक है। इससे ये ज्ञान हो जाएगा अगर मैं गिरूंगा तो हमेशा सीधा ही गिरूंगा, और अगर ये खिसक के नीचे आ जाएगा सर मेरा नीचे पैर ऊपर हो सकता है और रीढ़ की हड्डी में झटका आने के आसार बढ़ सकते हैं, परिणाम भी आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान दें कि ये हाथ में आना बहुत ज़रूरी है। मैंने पकड़ी हुई है, इसका हमें क्या फ़ायदा है, यदि आपको बोला जाए कि ऊपर जाके लटक करके काम करना है तो आप इस हार्नेस का इस्तेमाल ना करें, समझ रहे हैं? क्योंकि ये हार्नेस लटक करके काम करने के लिए नहीं बनाई गई है, लटक करके काम करने के लिए आपको ये वाली हार्नेस दी जाएगी, इस एवज में हम लोग लंबे समय तक लटक करके काम कर सकते हैं। आपने बड़े बड़े महानगरों में देखा होगा बिल्डिंग के ऊपर लड़के लटक के काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ग्लास साफ करते हैं, शीशे वगैरह, तो यही हार्नेस होती है। सिस्टम मेरे पास यहाँ है, कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और इनको मैं अपने साथ ऊपर लेकर के जाऊँगा, ऊपर ले जा करके इनको गिरा दूंगा। तो हमारी डांगरी की तरह है, आप लोग कहीं जाएंगे ना गैरेज में जहाँ गाड़ियाँ ठीक होती हैं वहाँ जाके देखेंगे तो एक सूट पहनता बंदा, इसमें पैंट और शर्ट दोनों इकट्ठी, बीच में जिप या फिर बटन होता है, तो इसकी बनावट ठीक इसी प्रकार से इसको बोला जाता है कवरऑल या फिर डांगरी, ठीक है? तो इसका बनावट इस प्रकार से है, ये मेरा ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला कैसे पता चलेगा, इससे
जहां मेरी दोरी रस्सी से चालू हो जाता है। अगेन गलत पकड़ूंगा तो नहीं पता चलेगा सर कहां पे है, पैर कहां पे है। ठीक है साहब, इस्तेमाल करने का यही तरीका है। मैंने इसको ऐसे पकड़ा, इसके अंदर मैंने अपना पैर घुसाया, उसके बाद इसके अंदर मैंने अपना सर घुसा दिया इस प्रकार। उसके बाद क्या करूंगा, हर एक चीजों को अपनी जगह समेटूंगा जिसके एवज में मैं इसको सही तरीके से पहन पाऊं। तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, अपनी कमर की बेल्ट को लगाऊंगा ताकि जब मैं लटकूं तो मेरे रीढ़ की हड्डी या मेरी कमर को सपोर्ट मिले, पीछे से बैक, पीछे की तरफ से सपोर्ट। उसके बाद अपने जांघ के पट्टे को लगाऊंगा, देर लगी बेल्ट पहनने में, पॉल इंडिकेटर, ये जो पट्टा निकला हुआ है सफेद कलर का, ये यही दर्शा रहा है कि मेरी बेल्ट अभी सही है। यही चीज मेरे पीछे दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं है? ये सिलाई अगर घट गई और पट्टे की लंबाई बढ़ गई तो पॉल इंडिकेटर अपने आप बाहर आ जाएगा। इससे ये ज्ञात होगा कि सेफ्टी बेल्ट के ऊपर कोई साथी मेरा गिर गया है, मुझे इसको आगे इस्तेमाल करते हैं। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है शॉक एब्जॉर्बर। गाड़ी में शॉकर होते हैं, सबको पता होगा कि नहीं पता? क्यों होता है शॉकर? अगर मेरी गाड़ी किसी गड्ढे में या किसी धच्ची में घुस जाती है तो झटका आता है। इससे कि क्या होगा, अगर शॉकर नहीं होगा या तो मेरी गाड़ी खराब होगी या तो फिर मेरे को चोट लगेगी। इसी प्रकार अगर मैं इसमें शॉक एब्जॉर्बर नहीं दूंगा, जो व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरेगा उसके शरीर में झटका पैदा होगा। जब झटका पैदा होगा तो मेरे को गुम चोट इसीलिए आएगी। जब ये आएगा जिस एवज में, वो झटका मेरे शरीर में नहीं आएगा जब मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा। तो 6 मीटर से ज्यादा, 6 मीटर से कम होगा तो क्या होगा, जब बंदा ऊपर से नीचे गिरेगा वो सीधा अगर के जमीन में गिर सकता है, या कहीं सरिया कोई ड्रम या कोई वेल्डिंग मशीन दिख रहे हैं इस प्रकार की चीजें रखी है उसके आप आकर के सीधा नीचे गिर सकता है। इस एवज में हमें फ्री फॉल क्लियरेंस यानी ऊपर से नीचे की जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 मीटर। 1.5 से 1.5 मीटर की मेरी लंबाई है रस्से की, 1.25 मीटर मेरा ये भी खुलता है 3 मीटर, और 1.5 से 2 मीटर की हमारी हाइट होती है। तो टोटल कैलकुलेशन होता है 5 मीटर। 1 मीटर का हम लोग जमीन से ऊपर गैप लेकर के चलते हैं ताकि कोई सामान कोई वस्तु ना पड़ी हो जिसके ऊपर आकर के व्यक्ति गिर जाए या कोई इसके ऊपर आके उसको चोट लगे। तो इसको भी ध्यान में, अभी इतना बल है कि अगर मैं गिरा तो ये मेरी जान बचा लेगी। तो आपको दिख रहा है इसमें हरे और काले कलर का निशान, जब तक ये हरे और काले कलर का निशान चलेगा तब तक मेरे को पता रहेगा कि मेरी रस्सी में अभी इतना बल है कि मैं अगर गिरता हूँ तो मेरे को गिरने से है तो बंद भी होने चाहिए। कहेंगे हम देखेंगे अगर कोई सहयोगी साथी हमारा लटक जाता है उसको हम कैसे भरी भांति सही तरीके से नीचे उतार सकते हैं। तो देखना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? मैं उसको ऊपर ले जा करके रस्से में नहीं टाऊंगा क्योंकि हाइट कम है, ठीक है, इसके ऊपर टाऊंगा जिससे हम देखेंगे कि अगर कोई बंदा ऊपर गिर जाता है तो ये कैसे उसका बचाव भी करती है। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ऊपर ले जा करके। यहाँ से चढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इससे ये लेटर से नहीं चढ़ेंगे। साथी आप लोग देख सकते हैं हमारी दोनों रस्सियों का इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, दोनों को अलग अलग जगह पे लगाना ताकि अगर एक गिर भी जाए टूट भी जाए तो दूसरा मेरे को गिरने से बचाएगा। मानता हूँ आप लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं करते होंगे मगर तरीका यही है इस्तेमाल करने का। इस्तेमाल करता हूँ ऊपर आया था मगर हम इनको फॉल अस्टर के साथ ला रहे हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा फॉल अस्टर है जिसके सहारे हम इनको ऊपर ले रहे हैं।
आपको लगा दिया ना, मैंने आपको लगा दिया है। कैसे लगाया, कैसे पता मैंने लगा दिया आपको, कहाँ लगाया मैंने आपको? नहीं ये लगाया ना, वो तो खोल दिया मैंने। चलिए नीचे जाइए, जाइए धीरे धीरे नीचे जाइए। चलिए नीचे, चलिए 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 चलिए। फिर प्लेट हटवा दीजिए थोड़ा नीचे से ना, प्लेट दीजिए दो जन आज। हाँ थोड़ा सरिया वरी हटा दीजिए। और जाओ जाओ मेरे अपने साथ और उनको अपने साथ पीछे लेकर के आएंगे। मेरे पास यहाँ डिसेंडर है जिसके सारे हम लोग लटक करके नीचे आएंगे और इनको मैं अपने साथ जोड़ूंगा भी साथ ही साथ। और हम दोनों का वजन इसी के ऊपर रहेगा जिसके सारे हम खिसकते हुए लटकते हुए नीचे की तरफ आएंगे और सुरक्षा के साथ। अब देख पा रहे हैं मैंने अपने रस्सों को डिसेंडर को धीरे धीरे दबाऊंगा। मैं धीरे धीरे नीचे जाऊंगा जहां सहयोगी साथी मेरा लटका हुआ फंसा हुआ है उसके पास पहुंचूंगा। धीरे धीरे दबाता हुआ नीचे पहुंच रहा हूं जहां मेरा भाई बंधु फंसा हुआ है। तो इसी सहारे हम लोग लटक करके किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनको अपने साथ इस छोटे से रेस्क्यू स्लिंग के साथ जोड़ लिया, ठीक है। और जिस रस्सी के ऊपर वो टंगे होंगे उसको मेरे को काटना होगा। क्यों काटना होगा, तभी तो मैं उनको छुड़ा के नीचे ला पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा कटर ब्लेड मेरे पास होना चाहिए। थोड़ा पैर लगाओ, फिलहाल काट नहीं रहा हूँ नहीं तो हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। चलिए ऊपर थोड़ा पैर लगाओ, फ्री करो। हाँ ऊपर ऊपर थोड़ा सा वेरी गुड। बस बैठिए नीचे, बैठिए धीरे धीरे, बैठिए। हाँ पैर नीचे लीजिए, वेरी गुड। पैर और नीचे लीजिए, छोड़ दीजिए अपनी बॉडी, छोड़ दीजिए। हाँ फ्री कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इनको अपने साथ जोड़ लिया है और अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए मैं इनको धीरे धीरे खिसकता हुआ नीचे लेकर के आ रहा हूँ। तो साथियों ये मेरा डिसेंडर है जिसके सारे हम इनको नीचे उतार पा रहे हैं। यदि गलती से मैं इसको पूरा भी दबा देता हूँ हम तब भी नीचे नहीं जा रहे हैं, और यदि मैं इसको छोड़ भी देता हूँ हम तब भी नीचे नहीं जा रहे हैं। नीचे कब जाएंगे, जब मैं इसको धीरे धीरे प्रेस करूंगा और धीरे धीरे ये हमें रिलीज करेगी नीचे लेकर के जाएगी। पैरों का सहारा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये रिप्स हो सकता है, मेरे विक्टिम को हिट कर सकती है, इनको चोट और ज्यादा पहुंच सकती है। तो ये मेरा रेस्क्यू प्रोसेस है जिसके सारे हम किसी भी व्यक्ति को नीचे उतार सकते हैं। तो साथियों फॉल अरेस्ट दो जगह से होती है, छाती से भी और पीछे से भी, जहां हमारी दोहरी रस्सी लगी होती है, ठीक है। और यहां मैंने फॉरेस्टर के सारे इनको ऊपर लेकर के गया जहां पे इनको दोनों रस्सियों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरी चीज मैंने डिसेंडर को कैसे लगाया, तो डिसेंडर हमेशा नाभि यानी पेट के पास होगा। थोड़ा सा पीछे साइड हो जाइए, ये मेरा डिसेंडर है, ठीक है। लगाने का तरीका थोड़ा सा बता देता हूं। सीधा रस्सा आएगा, इसमें मैंने लूप बनाया, ऊपर वाला सिरा घूमता हुआ नीचे जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा डिसेंडर है, इसके अंदर से लिया और इसको मैंने इसके ऊपर से निकाल दिया, इस प्रकार लूप को निकालने के बाद इन दो आई बोल्टों में फंसा दिया। अब जब तक इसके ऊपर 30 किलो का वजन नहीं आएगा ये तब तक काम नहीं करेगी, और मैक्सिमम 250 किलोग्राम। तो मेरा 60 किलो वजन था, आपका कितना था? 53, 50, 60, 113 किलो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, आधा भी नहीं हुआ। तो इसको जैसे जैसे मैं दबाऊंगा वैसे वैसे मैं नीचे आऊंगा, पूरा दबा दूंगा तब भी नहीं गिरूंगा, छोड़ देता हूं तब भी नीचे नहीं आऊंगा। तो कम से कम इसको वजन चाहिए 30 किलो का ऑपरेट करने के लिए। इसको कहां लगा रहे हैं साहब? अपने नाभि के पास, पेट के पास। गया था, इसको बोलते हैं रेस्क्यू स्लिंग, जिसके द्वारा मैं अपने विक्टिम को उनको मैं अपने साथ जोड़ करके नीचे ला सका, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही वजन आएगा कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रेस करूंगा धीरे धीरे नीचे आएगा, छोड़ दूंगा फिर भी नहीं गिरूंगा। बाई चांस जैसे कि मैंने बोला गलती से हड़बड़ाहट से मैंने पूरा भी दबा दिया ये तब भी काम नहीं करेगी, यानी दोनों अवयव में सुरक्षा प्रदान करेगी आपको। नीचे आने के लिए अगेन धीरे धीरे प्रेस करूंगा मैं, धीरे धीरे नीचे आऊंगा।
साथ लटक करके काम करते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रखते हैं। आप लोग ना कुछ नई चीज देखने को समझने को मिली होगी, आया ना? मिली है, मिली है। धन्यवाद आप लोगों ने अपना। जय हिंद, जय सुरक्षा।